Hey guys, welcome to the Gadget Show and actually ये बात कर लेते हैं top 5 new features के बारे में जो कि recently MIUI 12 में add हो चुके हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं जल्दी से बता देना चाहता हूँ कि मैं अभी ऑफिशियल ग्लोबल स्टेबल MIUI रोम में नहीं हूँ। मेरे डिवाइस में अभी MIUI का ही EU रोम इंस्टॉल्ड है। वर्जन जल्दी से मैं सेटिंग्स में आके आप सभी को दिखा देना चाहता हूँ। माई डिवाइसेस में आकर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं Mi 90 एंड यहाँ पे ऑल स्पेक्स में आके हम लोग देख सकते हैं MIUI वर्जन है MIUI 12.3 20.11.18 बीटा। सिक्योरिटी पैच है यहाँ पे 1st November 2020 जो कि एकदम से लेटेस्ट है एंड ये रोम बेस्ड है पर्फ कर्नल पर। तो गैस एकदम जल्दी से चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। ऑल्सो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है तो जरूर से वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल पाए। तो जो फर्स्ट चेंज है वो है रिगार्डिंग द डार्क मोड। तो डार्क मोड चेंज तो कुछ नहीं हुआ है लेकिन इसका जो लेआउट है वो चेंज हो चुका है। अभी हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले मेन्यू में आ जाते हैं तो ऐसे कार्ड लाइक मेन्यू हमें देखने को मिल जाते हैं। एक है लाइट मोड, एक है डार्क मोड। लाइट मोड में नीचे आपको शेड्यूल डार्क मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फॉर से अगर हम लोग यहाँ पे डार्क मोड को ऑन कर लेते हैं तो यहाँ पे डार्क मोड में जो फीचर्स थे कस्टमाइजेशन फीचर्स उसका मेन्यू आपको नीचे देखने को मिल जाता है। मोर डार्क मोड ऑप्शंस, तो यहाँ पे आ जाए तो आप यहाँ पे वॉलपेपर का ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट कर सकते हैं डार्क मोड के हिसाब से। ऑल्सो यहाँ पे टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड को ऑटोमेटिकली चेंज भी कर सकते हैं। इनफैक्ट आप उस एप्लीकेशन को चूज कर सकते हैं जिनमें कि ऑटोमेटिकली डार्क मोड ऑन करने पर वो भी चेंज हो जाता है। तो ये सारे मेन्यूज आपको देखने को मिल जाते हैं जो प्रीवियसली भी थे लेकिन जो लेआउट है वो चेंज हो चुका है अभी। नेक्स्ट लिटरली बात कर लेते हैं कंट्रोल सेंटर के लेआउट के बारे में। तो कंट्रोल सेंटर का मेन्यू जो था वो पहले हमें डिस्प्ले में देखने को मिलता था लेकिन अभी यहां पे नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर के नाम में एक डिफरेंट मेन्यू है। तो नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रोल सेंटर स्टाइल्स। तो यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से कार्ड लाइक वे में हमें देखने को मिल जाता है। ये है पुराना MIUI का जो टिपिकल नोटिफिकेशन शेड होता है एंड ये है एकदम से न्यू कंट्रोल सेंटर। सो यहाँ पे क्लिक करने पर हम लोग देख सकते हैं डायरेक्टली पुराना MIUI स्टाइल हमें देखने को मिल जाता है। MIUI का जो टिपिकल स्टाइल था नोटिफिकेशन शेड का जो हम लोग MIUI 10 या फिर MIUI 11 में देखते हुए आते थे तो ये हमें देखने को मिलता है। ऑल्सो अगर हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो एकदम से न्यू जो कंट्रोल सेंटर का लेआउट है वो हमें देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पे स्विच कंट्रोल सेंटर साइट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो पहले भी हमें देखने को मिलता था लेकिन अभी एक सेपरेट मेन्यू में आपको देखने को मिलता है जो मेरे हिसाब से और भी अच्छी तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट किया गया है। एक और चेंज भी आपको देखने को मिलेगा वो है रिगार्डिंग द नोटिफिकेशन शेड। तो नोटिफिकेशन शेड का एक मेन्यू है यहाँ पे अगर हम लोग आ जाते हैं ये भी बेसिकली नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर के मेन्यू के अंदर ही हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग एंड्रॉयड एंड MIUI स्टाइल दो स्टाइल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो बेसिकली अगर सिंपल वे में समझाऊं तो नोटिफिकेशन जैसे हम लोग रिसीव करते हैं तो स्टॉक एंड्रॉयड का एक डिफरेंट अप्रोच होता है एंड टिपिकली MIUI का एक डिफरेंट अप्रोच होता है। MIUI काफी कार्ड लाइक स्टाइल प्रेजेंट करता है एंड स्टॉक एंड्रॉयड आप कह सकते हैं काफी ज्यादा इंटरेक्टिव वे में प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आप जिस भी स्टाइल को पसंद करते हैं आप उसे चूज कर सकते हैं एंड यहाँ पे ऑल्सो दो ऑप्शन यहाँ पे प्रेजेंट है जैसे कि शो वेदर इन्फॉर्मेशन। तो नोटिफिकेशन शेड में आपको वेदर इन्फॉर्मेशन भी शो होगा वो आप यहां से इनेबल कर सकते हैं एंड ऑल्सो एक्सपैंड टॉप नोटिफिकेशन। तो जो फर्स्ट टॉप नोटिफिकेशन होगा इसे अगर हम लोग यहां पे ऑन कर ली तो वो पहले से ही एक्सपैंडेड वे में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्टली गाइस एक माइनर सा छोटा सा चेंज हमें देखने को मिल जाता है वो है रिगार्डिंग द वॉल्यूम पैनल। तो वॉल्यूम पैनल में हम लोग देख सकते हैं वॉल्यूम पैनल पूरी तरह से यहाँ पे चेंज्ड है। ये एकदम से न्यू वॉल्यूम पैनल स्टाइल हमें देखने को मिल जाता है। इसे अगर हम लोग क्लिक कर ले तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग साइलेंट एंड DND मोड को भी ऑन कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से एक न्यू लेआउट है, विजुअली चेंज है। फीचर सभी हमें सेम देखने को मिल जाते हैं लेकिन विजुअली पूरी तरह से ये डिफरेंट है। नेक्स्टली गाइस एक और चेंज देखने को हमें मिल चुका है वो है रीसेंट पैनल में। इसके पहले मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था कि कैसे आप लोग रीसेंट पैनल को यूज कर सकते हैं, कैसे आप लोग इसे अपने ग्लोबल स्टेबल MIUI पर भी इंटीग्रेट कर सकते हैं लेकिन इस रॉम में हमें पहले से ही ये ऑप्शन बिल्ट इन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे रीसेंट पैनल कुछ ऐसा देखने को हमें मिल जाता है जो कि सिंगल रो में रहता है, एकदम से ही स्टॉक एंड्रॉइड की तरह फील देता है। तो ये हमें देखने को मिल जाता है एंड सेम स्टाइल हमें MIUI 9 में भी देखने को मिला था। तो इसे हम लोग ऑन कैसे करेंगे? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, जल्दी से होम स्क्रीन सेटिंग में आ जाना पड़ेगा। होम स्क्रीन सेटिंग में आने के बाद मोड में आ जाना पड़ेगा एंड मोड में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा वो है अरेंज आइटम्स इन रीसेंट्स। तो यहाँ पे आने के बाद दो ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। एक है वर्टिकली जो आप इतने दिनों से देखते हुए आ रहे हैं वर्टिकली, तो ये
ये वर्टिकली स्टाइल है और एक है हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली को आप चूज करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐसा एक लेआउट देखने को मिल जाएगा जो कि मेरे हिसाब से काफी कूल है। तो ये चेंज भी आपको न्यू देखने को मिला है यहाँ पे। सो गाइस ये थे मेरे टॉप 5 फीचर्स जो कि MIUI 12 में हमें न्यू देखने को मिलता है। तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज गाइस टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।